अजमेर शहर में वाहन चोरी की वारदातें लगातार सामने आ रही है, जिसे लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने निर्देशों पर टीम का गठन किया गया है, जो कि आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं कोतवाली थाना क्षेत्र से भी दिन दहाड़े वाहन चोरी की वारदात सामने आई है, जहां परिवादियों द्वारा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली थाना अधिकारी शमशेर खान ने बताया कि परिवादी जितेंद्र और राजू सिंह ने थाने पर उपस्थित होकर क्षेत्र के हाथीभाटा और सूचना केंद्र से वाहन चोरी होने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी के माध्यम से जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने लगातार थाना क्षेत्र में बढ़ रही वाहन चोरी के मामलों को देखते हुए टीम का गठन भी किया है, जो कि वाहन चोरों की तलाश में जुटी है। श्री राजू सिंह और श्री जितेंद्र दो अलग अलग व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रकरण दर्ज कराए हैं। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल ले अपने सूचना केंद्र, दूसरे ने शाम गली हाथीवाटा में खड़ी की थी, जो अलग अलग समय पर अज्ञात चोरों द्वारा चुरा ली गई है। इसमें हमें सीसीटीवी आधारित कुछ फुटेज मिले और इसमें धरपकड़ हेतु हमारे द्वारा एक विशेष टीम का भी गठन किया गया है, जो सिविल वर्दी में आरोपियों की पतारशी करेंगे। इसके अतिरिक्त एक अन्य आईओ को हमने इसमें लगाया है, शीघ्र हम इसका खुलासा करेंगे। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। एसकेवी न्यूज़, सच्चाई की वापसी।